फ्रेंड्स, मैं हूं कौशल गर्ग और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट स्नैप सर्किट का। पहले देख चलते हैं, चूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट। मैंने वैसे एक्सपेरिमेंट चूज़ कर रखा है जो है टू स्पीड फैन। ये है टू स्पीड फैन एक्सपेरिमेंट, हम इसे करने जा रहे हैं। बिल्कुल इजी है, तो चलिए शुरू करते हैं और आप इसको एंड तक देखिएगा वीडियो को। पसंद आया तो लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और कोई प्रोजेक्ट आप चाहते हैं जो आपसे नहीं बन रहा हो, या फिर और कोई आपका देखने का मन हो स्नैप सर्किट, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टू स्पीड फैन एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए हमें चाहिएगा डीसी मोटर, फैन, स्विच, स्लाइड स्विच चाहिएगा, प्रेस स्विच चाहिएगा। दो तरह के स्विच चाहिएंगे, एक लैंप चाहिएगा, लैंप सॉकेट, और B1 जिसमें बैटरीज डलती हैं वो वाला यूनिट चाहिएगा हमें। और ये वायर्स हैं, हमें चाहिएंगे 1 2 3 4 5 6 सिक्स टू जॉइंट्स वाले, यानी टू जॉइंट्स वाले हमें सिक्स ये चाहिएंगे, सिक्स यूनिट्स, और वन जॉइंट वाले टू यूनिट्स चाहिएंगे। तो हम ले लेते हैं पहले, ये इसका बोर्ड है जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हॉरिजॉन्टली नंबर्स डले हुए हैं, और ABCDEFG वर्टिकली नंबर्स हैं। ये हमें पोजीशनिंग का पता लगाने में मदद करते हैं। जैसे देखिए बुकलेट पे दिया गया है, सिक्स नंबर पे ऐसे ये जो यूनिट लगेगा बैटरी वाला, वैसे ही हमें ये मदद करते हैं कि हमें पता चल जाए कहाँ पे हमारा ये जॉइंट होगा यूनिट। तो चलिए, हमें चाहिए था फैन, डीसी मोटर, ये देखिए डीसी मोटर है, हाई स्पीड डीसी मोटर इसके साथ ही आती है, टू स्विच, स्लाइड स्विच, ये देखिए ये है स्लाइड स्विच हमारा, क्या हो गया इसे, ये देखिए ये स्लाइड स्विच है, ये चाहिएगा, ये प्रेस स्विच है, ये चाहिएगा, प्रेस करते ये बंद खुल हो जाता है। और हमें चाहिए थे टू जॉइंट्स वाले सिक्स यूनिट्स, तो ये देखिए हमारे पास चार और छः यूनिट्स हो गए हैं, इसके साथ भी छः ही आते हैं स्नैप सर्किट। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास स्नैप सर्किट जूनियर नाम से है, ये देखिए स्नैप सर्किट जूनियर बिल्ड ओवर 100 एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स, ये वाला है मेरे पास, और इसे 8 साल से लेके 108 साल तक के बच्चे खेल सकते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि 108 साल तक के लिए बनाया गया है, और बड़ा ही फन गेम है, टाइम पास अच्छा होता है, और बूढ़े से लेके बच्चा भी इसको बना सकता है, और कोई बोरियत वाली चीज़ नहीं है, बड़े मज़े आते हैं इसको बनाने में। तो चलिए, एक हमें चाहिए था ये बैटरी वाला, एक चाहिए था लैंप, ये देखिए L1 जिसका नाम है, इस पे सब पोर्ट दिए गए हैं, जैसे L1 स्लाइड स्विच का है, S1 प्रेस स्विच का है, S2 बैटरी यूनिट का है, B1 मोटर का है, M1 इस ये सब के नाम दिए हैं जिससे हमें इन्हें छांटने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ोटोज़ में दिया गया है बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से बनता है। हम दो यूनिट्स 1-1 जॉइंट वाले और ले लेते हैं, ये देखिए ये हमने ले लिए हैं 1-1 जॉइंट वाले टू यूनिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल फ़ोटो में से देख के बनाएंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। चलिए, हमें पहले हम बैटरी वाले यूनिट से शुरू करते हैं। तो ये देखिए, जैसे सिक्स नंबर पे बैटरी वाले का पीछे वाला भाग लगेगा, पीछे वाला ये लगेगा, और फिफ्थ नंबर पे इसके दो जॉइंट्स आएंगे। तो हम पहले सर्च करेंगे फिफ्थ नंबर, 1 2 3 4 5, ये 5 लिखा हुआ है, थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट में आता है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा 5 लिखा हुआ है। इस पे हम DEF, ये देखिए बुकलेट में दिखा रहा हूँ आपको, DEF के बीच पे हमें फिफ्थ नंबर की लाइन पे ये बैटरी वाला जॉइंट करना है। तो ये देखिए फिफ्थ नंबर DEF, यानी फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे आए गए, ये देखिए ये मैंने जॉइंट कर दिया है। सिक्स नंबर पे पीछे वाला आ रहा है, सिक्स नंबर पे इसके बीच में से लाइन जा रही है,
तो हमें पहचानने में आसानी होती है। अब देखिए मोटर लगेगी 3 4 5, 3 4 5 के बीच में और बी लाइन पे। तो देखिए 3, ये देखिए 3 4 5 और लाइन बी, तो ये लगेगी यहाँ पे। ये देखिए आपको एक और बात ध्यान में रखनी है इसके पॉजिटिव टर्मिनल की और नेगेटिव टर्मिनल की। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड दिया है ये देखिए, इसका पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड दिया, आपको थोड़ा देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए। तो हमें ऐसे ही लगाना है सेम। अब आगे स्टेप करते हैं, इसके बीच में स्विच लगेगा S1 स्विच, यानी S1 यानी स्लाइड स्विच। तो इसे हमें लगा देना है ऐसे, ये देखिए ये अच्छे से जॉइंट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है 2 और 2, ये 2 जॉइंट्स करने हैं हमें। तो देखिए 2 जॉइंट्स यानी एक जॉइंट यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे, एफ ई लाइन पे 3 और 4 पे जॉइंट आएगा और 4 और 5 पे। तो पहले अपन लगा देते हैं 3 और 4 पे, ये देखिए 3 और 4 पे लगा चुका हूँ मैं। एक जॉइंट्स इसके ऊपर आएगा, यानी ये भी हो गया है, ये देखिए अभी तक सही चल रहे हैं हम। कई बार क्या होता है कन्फ्यूज़न में गड़बड़ भी हो जाती है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा, कोई भी स्टेप्स आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्टेप को लेके चलें जैसे मैं बना रहा हूँ, कुछ भी पहले लगा दीजिए, बस सही जगह पे और सही होना चाहिए वो, सही इसकी नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल होने चाहिए। अब हम लगाएंगे S2 स्विच, CDE पे लगाएंगे थर्ड लाइन में। तो ये देखिए S2 स्विच यानी प्रेस स्विच है हमारा, और ये लगाएंगे हम थर्ड लाइन पे CDE के बीच में। ये देखिए ये CD और E है और ये ऐसे लगेगा, ये देखिए लग चुका है। अब हमें लगाना है L1 यानी लैंप, हमें CDE पे ही लगाना है फोर्थ लाइन में। तो ये देखिए लग चुका है लैंप। अब देखिए हमें बताया गया है कि पहले इस पे आप, अगर आपको फ़ोटो में भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं और इसके पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरे को प्रैक्टिस हो चुकी है इसलिए मैं आसानी से बना पा रहा हूँ। तो देखिए आप फ़ोटो को देख के ही बनाएगा, पहली बार में अच्छा रहेगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो पहला स्विच इधर आ जाएगा, अब ये 2 जॉइंट वाला पहले इधर आएगा, अब इसके ऊपर एक 2 जॉइंट वाला एक और वायर और लगेगा, ये देखिए ये ऐसे रेडी होगा। वैसे ही इसमें भी, इस साइड भी फ़ोटो में दे रखा है, एक जॉइंट वाला ऐसे लगेगा, पहले 2 जॉइंट वाला इस DC मोटर से कनेक्ट होगा, ये देखिए अब ये भी ऐसे ही जॉइंट हो जाएगा जैसे हमने पहले वाला किया था। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस अब हमें बैटरीज लगानी है और फ़ैन लगाना है। तो चलिए पहले बैटरीज लगा देते हैं। मैं ड्यूरासेल यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें स्पीड अच्छी आती है और ये ड्यूरेबल भी अच्छा है, आप ड्यूरासेल ही यूज़ करिएगा, ये कई दिनों तक चलता है, बस महंगा थोड़ा पड़ता है, 42 रुपये पर पीस का पड़ता है, लेकिन बड़ा ही अच्छा सेल है। ये देखिए हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है, और चलिए मैं अब आपको चला के दिखाता हूँ। सेम फ़ोटो की तरह बनाया है हमने, आप चेक कर लीजिए। ये देखिए 2 स्पीड फैन, इसमें 2 तरह की स्पीड आएंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए एक स्पीड में हमारा फ़ैन चल रहा है। अब हम डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस बटन को दबाएंगे, तो देखिए इसका फास्ट हो गया स्पीड, जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए अभी फास्ट है स्पीड, अब देखिए आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। एक बार और देखिए, अगर ये लैंप जल जाता है तो इसकी पावर कम हो जाती है, ये देखिए अब देखिए स्पीड तेज़ हो गई है, ये देखिए लैंप जलते इसकी स्पीड लो हो जाएगी क्योंकि ये अपनी एनर्जी खींचने लगता है। अब देखिए लैंप बंद होते ही फुल स्पीड में चले गए, बड़ा ही अच्छा एक्सपेरिमेंट बना है, मुझे भी इसे देखकर खुशी हो रही है।
चलिए ऑफ़ कर देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा।